स्वागत है आप सभी का आधी आबादी की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। घर परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभाने और घर के बजट को सही से मैनेज करने की वजह से आधी आबादी को होम मिनिस्टर भी कहा जाता है और शायद यही वजह है कि घर की ये मिनिस्ट्री अब देश की राजनीति में भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। लेकिन आंकड़ों की अगर बात की जाए तो राजनीति में महिलाओं की संख्याओं के मामले में भारत की स्थिति आज भी काफी पिछड़ी हुई है। संसद में महिला प्रतिनिधियों की संख्या के आधार पर राष्ट्रों का रैंक तय करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से तैयार की गई लिस्ट में 179 देशों में भारत को 111वां स्थान दिया गया है। तो आखिर क्या है वजह, क्यों देश की राजनीति में आज भी महिलाओं की भागीदारी कम है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं ये सिलसिला। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। नीतू त्रिपाठी हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता हैं और साथ ही बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष रुमाना सिद्दीकी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करके आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर क्या लगता है आधी आबादी की वो एक संख्या जो होनी चाहिए वो आंकड़ा अब तक क्यों नहीं पा पाया है हमारा देश। नंबर है 01202511063 1800180152। नीतू, पहला सवाल आपसे करना चाहती हूं। एक आंकड़ा जो शायद हो जाना चाहिए था अब तक, अगर देखें तो महिलाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं बढ़ रही है राजनीति में, दिलचस्पी भी वो ले रही हैं और इसका एक तरह से जो हमें नतीजा है या यूं कहें एग्जाम्पल हमें दिखा था विधानसभा चुनावों में जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मतदान भी किया था, लेकिन फिर भी क्या वजह आप मानती हैं राजनीति में जो एक हिस्सेदारी होनी चाहिए महिलाओं की वो अब तक उतनी क्यों नहीं हो पाई है? मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को लोग इतना कमजोर समझ रहे हैं उस पर मैं दो लाइन कहना चाहूंगी कि कोमल हैं, कमजोर नहीं हैं, कोमल हैं, कमजोर नहीं हैं। नारी का नाम ही शक्ति है, नारी का नाम ही शक्ति है। जीवन को, जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो हमारी जो प्राथमिकता रहती है वो घर परिवार के अलावा हर जगह हमारी भागीदारी रहती है, पर लोग हमें यहाँ शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। और उस राजनीति की जहां तक बात करें, मैं खुद बीजेपी में हूं और जो आंकड़ा अभी तक आ रहा है कि हमारी बीजेपी ने 10 संख्या दी। नीतू जी देखिए, यहाँ पार्टी का जिक्र नहीं हो रहा है। नीतू जी देखिए, यहाँ पार्टी का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर पार्टी यही कहती है कि हम महिलाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हम टिकट बंटवारे में इतनी हिस्सेदारी महिलाओं को देंगे। क्योंकि यहाँ पे बात किसी एक पार्टी की नहीं हो रही है बल्कि पूरी राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी की हो रही है। इसलिए सवाल आपसे यही है कि आखिर आपको लग क्या रहा है? अभी आप बता रही हैं, चलिए एक राजनीतिक दल से आप भी ताल्लुक रखती हैं, क्या लगता है जब टिकट मिलता है तो पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है महिलाओं का? नहीं नहीं, ये तो मैं एकदम एग्री करती हूँ आपके साथ कि हमें वो महत्वता नहीं मिलती पार्टी में। काम हम भी उतना ही करते हैं जितना एक पुरुष करता है, पर वो प्राथमिकता हमें नहीं दी जाती है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। रुमाना जी, यही सवाल आपसे, जिस तरह से नीतू त्रिपाठी कह रही है कि वो प्राथमिकता नहीं मिल पाती, वो अहमियत नहीं मिल पाती, वो जगह नहीं मिल पाती जब टिकट बंटवारा होता है, इसके पीछे की वजह आप क्या मानती हैं? मैं ये मानती हूँ कि इस जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश, तो इसलिए लोगों को ये लगने लगता है कि अगर महिलाएं आ जाएंगी तो उनकी जगह कम हो जाएगी, उनको अहमियत मिलना कम हो जाएगी और औरतें जो है उन पे चढ़ के हावी हो जाएंगी। इस वजह से उनको ये डर रहता है, इसीलिए जो है वो टिकट के बंटवारे में या किसी भी उसमें आप देखिए तो वो महिलाओं को थोड़ा सा पीछा करके रखना चाहते हैं और अपने आगे रहना चाहते हैं। मेरे सोच से तो यही है। बिल्कुल नीतू जी, जिस तरह से ये बता रही हैं अभी हमें रुमाना जी भी, कि कहीं ना कहीं पुरुषवादी सोच हावी हो जाती है उस दौरान, कहीं ऐसा ना हो महिलाएं आगे निकल जाएं, हम पीछे रह जाएं, इसलिए कई बार सोच देखने को मिलती है जैसा रुमाना जी का मानना है। लेकिन एक बात आपको नहीं लगती कि हर बार एक बात उठा दी जाती है, नहीं महिला सशक्तिकरण हो रहा है, उनको हर तरह से हम आगे लेकर आएंगे, लेकिन आपको लगता है सच्चा लोकतंत्र तब तक पूरा हो पाएगा जब तक महिलाओं की एक हिस्सेदारी राजनीति में सुनिश्चित नहीं हो जाती, एक रेशियो जो एक तरीके का दोनों को इक्वल शो करता है वो नहीं हो जाता है, तब तक सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की बात हम कह सकते हैं?
बिल्कुल नहीं। देखिए 49% रिजर्वेशन की बात होती है तो वो कहाँ है, मुझे तो दिखती नहीं नजर आती कहीं, कहीं भी मुझे नहीं दिख रहा, कहीं भी हमारी भागीदारी 49% की नहीं दिखती। वोट की अपेक्षा सबको है पर प्राथमिकता नहीं दी जा रही। पुरुष प्रधान है, बिल्कुल रुमाना दीदी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुरुष प्रधान देश है और प्राथमिकता हमेशा उन्हीं को मिलती है। काम हम भी उतना ही करते हैं पर हमें वो दायरा, हमें वो फील्ड, हमें वो स्पेस नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, जो हम डिजर्व करते हैं। बिल्कुल रुमाना जी, एक बात ये बताइए कि अगर अभी एक आंकड़ा देखें तो अगर जो आंकड़ा है वो ये दिखा रहा है कि अगर हम लोकसभा की बात कर लें तो लोकसभा में जो महिलाएं हैं वो 62 महिलाएं हैं और जबकि 545 सांसदों का ये पूरा समीकरण है जिसमें सिर्फ 11.4% ही महिलाओं के पास एक तरह से हिस्सेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता, वो भी बहुत काम करती हैं लेकिन जब कहीं जब टिकट देने की बात आती है तो एक तरह से या तो कहीं सितारे आ जाते हैं या बड़े नाम सामने आ जाते हैं, उनकी अहमियत कहीं खो जाती है। ऐसा क्यों, एक तरीके की जो एक इक्वालिटी होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो पाती है? मैंने जो अभी कहा कि पुरुष प्रधान वाली जब बात है, महिलाओं को ऐसी जगहों पे ले जाके टिकट दे दिया जाएगा जहां पे वो जीत ना पाए, जो उनको लगेगा कि ये सीट नहीं जीतने लायक है वहां टिकट दे देंगे। इसलिए जो है बेचारी महिलाएं जो हैं वो अपना हुनर होते हुए भी वो नहीं आ सकती हैं, खुल के बाहर नहीं आती। अभी नीतू जी ने कहा कि महिलाएं भी उतना काम करती हैं, बिल्कुल सही बात है। हम राजनीति भी करते हैं बाहर आके और उसके बाद जब हम घर जाते हैं तो हम बच्चे भी संभालते हैं, हम अपना किचन भी संभालते हैं, हम अपना परिवार पूरा देखते हैं, रिश्तेदारियों में भी उतने ही हम अहमियत अपनी पूरी दिखाते हैं। तो इसलिए जो है महिलाएं हर जगह सक्षम होते हुए भी ये पुरुष प्रधान वाली बात है कि ये लोग पीछे रखते हैं और टिकट जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ते कि महिलाएं जीत के आ जाएं और वो सांसद में दिखाई दे। बस इतनी ही बात है। नीतू जी ये बताइए कि अगर हम इस बार देखें जो नए मतदाता आए हैं, इनमें 18 से 19 साल के जो मतदाता हैं इनमें 41% महिलाएं हैं, लेकिन अगर उनकी भागीदारी ही नहीं तरीके से डिसाइड होगी कि वाकई वो आगे बढ़ पाएंगी, कैसे बढ़ पाएंगी, तो कैसे ये जो नए वोटर्स आए ये उत्साहित होंगे? बिल्कुल, मैं यही बात आपसे कहना चाह रही हूँ कि आज तक जो पिछड़े होने का कारण है वो बेसिकली यही है। बेसिकली वो देखते आ रहे हैं कि जो वो काम कर रही हैं उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जा रही, दे आर वेरी, मतलब वो बहुत पीछे हैं तो वो कुछ कर ही नहीं पाते, तो उनको देख के नए लोग नहीं आ पाते। वो अभी किसी भी जगह आप जाइए, स्टूडेंट से मिलिए तो वो ये कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी जगह है, हमें नहीं आना, समझ रहे हैं आप? तो उसका बेसिक कॉज क्या है कि भाई ऐसी चीजें, ऐसी गंदगी फैली हुई है कि महिलाएं और अच्छी महिलाएं, अच्छी फैमिलीज की महिलाएं नहीं आना चाहती हैं, बिल्कुल नहीं आना चाहती हैं। बिल्कुल, एक तरह की बात ये भी वाकई उठ जाती है जिस तरीके से रुमाना जी, नीतू जी भी अपने तर्क रख रही हैं। एक बात ये बताइए कि कहीं ना कहीं आप लोग भी ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं और रूट लेवल से काम कर रहे हैं, क्या आप लोगों की ओर से भी कोशिश ये होती है जब टिकट मिलते हैं कि नहीं इस बार महिलाओं को ज्यादा भागीदारी दी जाए, उनको उनकी अहमियत को समझा जाए, ये ना समझा जाए कि सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह ना इस्तेमाल किया जाए, ये समझा जाए कि नहीं उन्हें जहां पे भी मौका मिलेगा वो अच्छे काम करेंगी, आप लोगों की ओर से किस तरह की कोशिशें होती हैं? हमें हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि हम लोगों को भी प्रायोरिटीज दिए जाए, हमारा जी सवाल आपसे पहुंचे। अभी नीतू जी ने कहा जी, नीतू जी ने अभी कहा कि जो है अच्छे घर की महिलाएं, नीतू जी हम लोग भी शायद बहुत अच्छे घरों से हैं, आपको भी देख के मुझे लग रहा है कि यू आर ऑल्सो वेल एजुकेटेड, तो हम लोग अच्छे परिवार से हैं। बस यही है कि हाँ थोड़ी सी गंदगी है जो बाहर के लोग कहते हैं कि राजनीति में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, ये अपने ऊपर डिपेंड है और हम लोग जो है फुल अपने मेहनत से काम करते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं कि राजनीति में आए। जरूर ये बात है कि टिकट नहीं मिलता और मिलेगा तो महिलाएं जीत के भी आएंगी और अपना जो है पूरा हुनर दिखाएंगी कि हम भी सक्षम हैं, हम किसी पुरुष से कम नहीं हैं और हम अपना काम बखूबी घर से लेके बाहर से लेके सांसद तक जहां भी होगा हम कर सकते हैं। वैसे हमारे पार्टी से, क्योंकि आपने मुझे बताया मैं अध्यक्ष हूं, तो मैं ये कहूंगी कि मेरे जो है पार्टी ने, बीजेपी ने जो है महिलाओं को प्रोत्साहन किया,
आप नेता विपक्ष देखिए हमारे सुषमा जी हैं, हमारे जो है संगठन में महिलाओं को बहुत मिला। हमारा उद्देश्य नहीं है रुमाना जी, यहाँ पे हर एक पार्टी को अगर हम देखें तो वो यही कहता है कि नहीं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस बार तो हम महिलाओं को आगे लाएंगे ही। लेकिन एक बात ये बताइए ना नीतू जी, सवाल आपसे है कि वहाँ पे बात हो जाती है महिलाओं की नहीं महिला रहा है जी। नीतू जी आपसे सवाल है कि यहाँ महिलाओं की बात हो जाती है कि नहीं इनको हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब असलियत आती है, जब वाकई मौका आ जाता है, तब क्यों नहीं सोच लिया जाता है? क्या ये माने कि जो बातें होती हैं वो सिर्फ बातें रह जाती हैं, कथनी और करनी में फर्क आ जाता है उस जगह पे? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है कि कथनी और करनी में फर्क आ जाता है। जब काम कराने की बारी आती है तो महिलाओं को बड़ा प्रोत्साहित किया जाता है पार्टियों में कि आप ये करिए वो करिए, ऐसे भी कर लीजिए वैसे भी कर लीजिए, और जब टिकट्स की बात आती है या किसी भी पोजीशन की बात आती है तो वो पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो जाते हैं, हम लोग एकदम इग्नोर किए जाते हैं और नेग्लेक्शन का शिकार बनते हैं। देखिए एक बात, आप भी चूंकि प्रोफेशनल हैं तो आपको ये बात समझ में आती होगी कि हम लोगों से अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता है, हम लोग सबसे बेस्ट मैनेजर हैं। किसी भी चीज को मैनेज करने की बात आएगी तो वो लेडीज में एक गॉड गिफ्टेड होता है कि हम अच्छे मैनेजर हैं, हम घर भी मैनेज करेंगे, हम बाहर भी मैनेज करेंगे, बच्चा भी देखेंगे, पॉलिटिक्स भी देखेंगे, मैं सोशल वर्कर भी हूँ, मेरा इंस्टीट्यूशन भी है, तो हम सब कुछ देखते हैं। उसके बाद भी हम पीछे हैं। बिल्कुल, सवाल यही है पीछे क्यों है। सुषमा स्वराज रुमाना जी आपसे सवाल करूंगी, बहरहाल एक दर्शक है जयपुर से जयप्रकाश। जयप्रकाश जी आप भी राय रखे अपनी। हाँ मैम जी, मैं ये रुमाना जी को सलाम करता हूँ और नीतू जी को नमस्कार करता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो महिलाओं का जो शोषण होता है उसमें महिला का मुख्य कारण महिला ही है, क्योंकि ये जो आपने परिवार में ले लीजिए या कहीं देख लीजिए, शिक्षा में एजुकेशन में लड़कों को ज्यादा महत्व देती हैं अपने, मतलब जैसे कि पुत्र है तो उसको ज्यादा महत्व देती हैं और बेटियों को इतना महत्व नहीं देती हैं। उनकी परवरिश में ले लीजिए, पहनने में ओढ़ने में, लड़का कुछ भी पहने कोई पाबंदी नहीं है, लड़कियों पर हमेशा टोका जाता है कि आप जींस ना पहने, टॉप ना पहने, माँ ही खुद अपनी बेटी को डांटती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राय रखी। बहरहाल दर्शक जो हमारे वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से शुरुआत एक समानता की जो होती है वो घर से ही होती है और इसकी शुरुआत करने के लिए महिलाएं ही आगे आती हैं और इसकी आनी चाहिए, महिलाओं को एक तरह से एग्जाम्पल सेट करना चाहिए खुद कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए सोसाइटी में, एक इक्वल रेशियो जिसमें हम आज बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, उसमें बनाया जा सके, सोच में बदलाव लाया जा सके। लेकिन ये सोच बदली कैसे जाएगी, कैसे इसकी और कोशिश होनी चाहिए, ये भी एक बहुत अहम सवाल हो जाता है। बहरहाल दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बात आज हम कर रहे हैं राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की, और सवाल यही कि ये भागीदारी क्यों नहीं उतनी हो पाई है, वो आंकड़ा क्यों नहीं दिख पाता है जो ये दिखाए कि नहीं वाकई अहमियत समझी जा रही है राजनीति में महिलाओं की और उनकी भागीदारी के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, नीतू त्रिपाठी हैं, बीजेपी नेता हैं आप, और साथ ही बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे की अध्यक्ष रुमाना सिद्दीकी हैं, और एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद अकरम हमारे साथ हैं। अकरम राय रखिए आप भी अपनी। अकरम अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बात आप भी रख सकते हैं अपनी। रुमाना सिद्दीकी जी, ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि कौन कौन सी रुकावटें हैं, क्यों नहीं एक महिला राजनीति में आगे आ पा रही है या वो कोशिशें हो पा रही हैं, लेकिन क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, क्योंकि एक तरह से देखें तो वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं मतदान कर रही हैं, जब ये रेशियो बढ़ सकता है तो भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या कोशिशें होनी चाहिए? कोशिश यही होनी चाहिए कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनको समझाया जाए, वो उनको फ्री माइंड छोड़ा जाए कि वो राजनीति में आए, और इससे राजनीति में आने के बाद वो एक महिला को, जैसे कि अभी नीतू जी ने वो भाई ने अभी कहा था कि महिलाओं को महिला ही दुश्मन होती है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को उन महिलाओं को आगे लाने के लिए कि हमें अपनी जो है हम अपनी हिस्सेदारी कैसे लें, अपने को हम संगठन में हम अपने को कैसे प्रेजेंट करें पब्लिकली, उसको अगर हमें अपने लिए सब कुछ अच्छा करना है तो महिलाओं को आगे बढ़ के आना होगा, उनको जुड़ना होगा लोगों के साथ, उनको बीच में जाना होगा, सोशल वर्क करना होगा जिससे कि लोग हमारे साथ जुड़े और समझें कि महिलाओं का भी स्थान उतना ही है जितना कि इस देश में पुरुषों का है, तो इसमें महिलाओं को आगे आना चाहिए और जो है फिर उनको और जगह भी जो है उनकी हिस्सेदारियां मिला करेंगी जी।
नीतू जी ये बताइए, यहाँ तो ये बात हो रही है कि जब हम ये कह रहे हैं कि कैसे हिस्सेदारी बढ़ेगी, भागीदारी कैसे बढ़ेगी, एक बात ये बताइए कि क्या ये माना जाए कि एक तरह के जब फीडबैक दिए जाते हैं तो हिचक हो जाती है एक महिला को लेकर कि भाई कर पाएगी नहीं कर पाएगी। हालांकि जब भी राजनीति में महिलाओं को मौका मिला उन्होंने खुद को साबित किया है। क्या ये एक हिचक का नतीजा होती है, एक तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि अगर देंगे टिकट तो कहीं ऐसा ना हो कि हार हो जाए, या यही बात दिमाग में रहती है जिसकी वजह से कभी आगे या कभी पीछे हो जाती है महिलाएं? नहीं नहीं, इसको हम उनको कॉन्फिडेंस या अनकॉन्फिडेंस की बात नहीं है, यहाँ पे अनसिक्योरिटी की बात है। वो इतने अनसिक्योर्ड हैं, क्योंकि पुरुष हैं, वो अनसिक्योर्ड हैं कि इनको दिया जाएगा तो डेफिनेटली ये बेटर करेंगी, डेफिनेटली बेटर करेंगी, जिससे हमारी छवि कम हो जाएगी या हमारा कद कम हो जाएगा। तो दैट इज द बेसिक कॉज। ये कॉज नहीं है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि महिला नहीं कर पाएगी, महिला तो सब कुछ कर सकती है, कर भी रही है, सुषमा स्वराज है एग्जाम्पल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी हमारे साथ लीडर्स हैं ऐसी जो एग्जाम्पल है वाकई कि किस तरीके से राजनीति में वो बखूबी अपने योगदान को दे रही है। और एक दर्शक है इस वक्त हमारे साथ, फिरोजाबाद से फोन किया है निर्भय ने। निर्भय राय रखिए आप भी अपनी। जी, हमारे देश में जो महिलाओं को माना जाता है बहुत ही पवित्र उन्हें माना जाता है, लेकिन हमारे देश की जो राजनीति है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए महिलाएं खुद को अपने आप से ऐसे गलत काम से, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हमारे ऐसा कोई गलत काम नहीं है आप, क्योंकि ये जो भाषा है शायद ये ठीक नहीं रहेगी। फिलहाल राय रखी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और रवि एक दर्शक है पीलीभीत से, रवि आप भी अपनी बात रख सकते हैं, कैसे महिलाओं की हिस्सेदारी या भागीदारी बढ़ेगी राजनीति में? टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए रवि, और इसके बाद बात रखिए अपनी। मैं चाह रहा था मैम कि हम लोग महिलाओं को आगे बढ़ाते तो हैं, लेकिन कोई भी महिला अगर विधायक या सांसद बन जाती है तो भाभी अपने भाई या पति को आगे बढ़ावा क्यों देती है? वो अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाए, अपना प्रतिनिधि अगर रखती है तो महिला रखे और महिलाओं को आगे बढ़ावा दे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने रखी। रुमाना जी, यही सवाल आपसे, जो हमारे दर्शक जो है वो ये सवाल कर रहे हैं कि एक तरीके से जब महिलाएं मानी आ भी जाती हैं, वो सांसद भी बन जाती हैं, तो उनका प्रतिनिधि वो ये कोशिश क्यों नहीं करती हैं कि कभी कोई महिला हो, रिप्रेजेंटेटर उनकी महिला हो? क्यों वो फिर सोचने लगती हैं कि परिवार का ही कोई सदस्य हो जाए तो अच्छा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं सोचती कि ऐसी बात है। ये इनको किसी का सैड एक्सपीरियंस होगा इसलिए इन्होंने, भाई साहब ने ऐसा बात बोली, पर ऐसा नहीं है। हमारे माननीय सुषमा जी को देखिए, उनके साथ हमेशा एक महिलाएं रहती हैं, हमारे साथ भी है जो महिला रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हर टाइम जो हम लोग अपने घर के परिवार को आगे बढ़ाएंगे, महिला अगर हमारे पास है तो हम, बट ऑब्वियस है कि हम उनको आगे बढ़ाएंगे। और ये नहीं कि हम राजनीति में अपने हैं तो साथ साथ जो है हस्बैंड और भाई और बच्चों को ही आगे लेके बढ़ेंगे, वो तो हमारे साथ है ही हैं, उनको हम कहाँ छोड़ देंगे? वो तो हमारे साथ है तो वो तो हमारे साथ साथ रहेंगे, चलेंगे। अगर कोई कहीं महिला जा रही है, अगर उनके साथ उनके हस्बैंड साथ में जा रहे हैं या बच्चा जा रहा है, बेटा जा रहा है, तो उसके लिए ये नहीं कहा जाएगा कि हम उनको बहुत हम आगे बढ़ा रहे हैं, पर महिलाएं हैं आगे बढ़ाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। नीतू जी ये बताइए कि क्या एक तरीके से जो भी संगठन है अगर उसका ढांचा देखें, ठीक है, तो क्या ये लगता है कि हायरार्की में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है? मानिए अगर ऊपर के जो नेता है या आला जो नेता है वो अगर सोच भी रहे हैं कि नहीं भागीदारी हो जाए, बढ़ा दिया जाए, क्या नीचे से जिस तरह की फीडबैक चलता है वहां पर मुश्किलें आ जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम सहमत हूँ आपकी बात से। हायरार्की ही है, बेसिकली हायरार्की ही है कि जो पहले से है, जो पहले से बड़े नेता हैं, वो अपने बच्चे अपने रिलेटिव्स को ही टिकट देना चाहते हैं, बनस्पत हम लोगों के। संदीप एक दर्शक है हमारे साथ, संदीप आप भी आप अपनी राय रख सकते हैं, कैसे सुधार हो राजनीति में ताकि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आ सके? राजनीति में जो है शुचिता बनानी पड़ेगी पहली तो बात, और दूसरा जो महिला का डम्मी रूप में इस्तेमाल होता है राजनीति में वो बंद करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदित्य एक दर्शक है हमारे साथ, आदित्य आप भी अपनी बात रखिए। हेलो जी, बात रखिए आप भी आदित्य अपनी। हाँ मैम, ऐसा है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक समय है उनका टाइम लगेगा उनके लिए बढ़ने में, बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रपति महिला रही है प्रतिभा पाटिल, हमारी यूपी की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी महिला है, विपक्षी नेता सुषमा स्वराज भी महिला हैं,
हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती महिला रही हैं, तो एक समय लगेगा, ये नहीं जादू की छड़ी, ये तो है नहीं महिलाओं की, समय लगेगा वही बात हम कर रहे हैं कि ये जो समय आया है बहुत साल लग गए, क्या इतना ही साल लगना चाहिए? जबकि हर चीज में परिवर्तन हो रहा है तो क्या इस ओर परिवर्तन नहीं होना चाहिए? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राय रखी। रुमाना जी एक बात ये बताइए कि कोशिश हर तरफ हो रही है, कदम हर तरफ बढ़ाया जा रहा है, सोच में कहीं ना कहीं परिवर्तन हर तरफ आ रहा है, लेकिन रुकावटों की हमने बात कर ली, कोशिशों की हमने बात कर ली, लेकिन आपको कितना समय एक लगता है कहीं ना कहीं एक तरीका जो एक एक टाइम फैक्टर होता है, क्या लगता है आपको कितना और वक्त लगेगा एक रेशियो को इक्वल आने में, एक भागीदारी जो महिलाओं की होनी चाहिए राजनीति में उसकी उसको बराबरी मिलाने में? टाइम तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो पढ़ी लिखी है, सब समझदार है, और अगर टाइम लग रहा है ये काफी खराब है कि इतना होने के बाद, इतनी आज की जनरेशन इतनी वास्ट होने के बाद भी वो राजनीति के तरफ नहीं आ रहे हैं, ये नहीं सोचते हैं कि जो है अगर हम राजनीति में जाते हैं या हम सोशल वर्क करते हैं तो इससे हमारी और महिलाओं को और बहनों को कोई सपोर्टर मिलेगा कि कोई हमारी बात कहीं रख सके, कहीं बोल सके, हमारे लिए कहीं पे कोई खड़ा हो सके। तो इसलिए जो है ये हमारी बहनों के बीच में ये बातें पहुंचानी होंगी कि ऐसा नहीं है कि राजनीति कोई गलत चीज है, राजनीति में कोई गलत हरकत बात होती है, आप राजनीति में आइए या सोशल वर्क करिए जिससे कि महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सके, उनकी भी कहीं भागीदारी और उनकी बात कहीं पे रखने के लिए कोई महिला खड़ा हो सके। क्योंकि पुरुष प्रधान देश बोलते हुए भी मैं यही कहूंगी कि जो है पुरुष अपनी बात रखेगा, महिलाओं की बात नहीं रखेगा, इसलिए बहनों को ये सोचना होगा कि हम कैसे आगे आए और हमें जो है आगे अब जो ये दुनिया है जो चल रहा है इस टाइम जो उसमें औरतों का कितना आगे आना जरूरी है। बिल्कुल नीतू जी, एक बात बताइए, ये नहीं लगता है आपको कि एक रेशियो डिसाइड हो जाना चाहिए? मानिए अगर टिकट भी दिया जा रहा है तो एक परसेंटेज डिसाइड हो जाना चाहिए कि नहीं इतना परसेंट तो महिलाओं को रखेंगे ही रखेंगे, कोशिशें होनी चाहिए, क्या ऐसा हो नहीं सकता या इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता? इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा होना चाहिए, हमारी बेहतरी के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है और ये डिपेंड करेगा हमारी जो विकास है उसको डिपेंड करता है इसी चीज पे कि हमें हमारा रेशियो तय होना चाहिए, बिल्कुल तय होना चाहिए कि हमें पता हो कि भाई हमें इतना इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके आगे की दौड़ तो बाद की है ना, पहले तो हमें जितना मिलेगा वो सुनिश्चित हो जाए कि इतने लोग इतनी संख्या हमारी है। नीतू जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आप शामिल हुई। रुमाना सिद्दीकी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम बातें आपने भी रखी। बहरहाल सवाल यही है कि एक जो अनुपात है जो रेशियो है वो कब इक्वल होगा? क्या इसको डर समझा जाए, इनसिक्योरिटी समझी जाए कि जब भी महिलाएं आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं राजनीति में तो वो कदम उतना आगे नहीं बढ़ पाते, पीछे हो जाते हैं, इस सोच में कब बदलाव आएगा? अब ये भी एक सवाल उठने लगा है क्योंकि महिलाएं तो घर से बाहर निकलकर मतदाता बन रही हैं, बड़ी संख्या में वोट भी करती हैं, लेकिन कैसे राजनीति में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी? आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।